गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 6 जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज क्या होता है। आपने कक्षा 6 से आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे त्रिभुज क्या होता है। जैसे कि नाम से आपको पता चला त्रिभुज, जिस आकृति में तीन भुजाएं हैं या तीन भुजाओं से मिलकर जो आकृति आपको मिलती है वो त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, ये तो आपको बेसिक चीज़ हो गई कि भाई होता क्या है त्रिभुज। लेकिन आपका जो कक्षा 10 में आप पढ़ोगे वो आपको पढ़ना है टॉपिक इसमें समरूप त्रिभुज। ठीक है, तो हम इस पर फोकस करते हैं पहले कि समरूप त्रिभुज क्या होता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, समरूप। तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं, सम मतलब समान, रूप मतलब आकृति, यानी कि जिसका रूप समान हो, जो देखने में एक सी हो, दो आकृति जो देखने में एक सी हो वो समरूप कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, ये दो त्रिभुज हमने बनाए, इसे नाम दिया हमने ए बी सी और इसे नाम दिया हमने पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो ये देखने में तो एक से हैं कि ये भी समकोण त्रिभुज है आपके पास और ये भी समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो क्या ये आपके समरूप होंगे। एक आकृति आपको दी है कि आपको एक समबाहु त्रिभुज दे दिया, एक त्रिभुज ये दिया है आपको और एक त्रिभुज ये दिया है। ठीक, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी और तीनों कोण बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के समरूप होते हैं। ऐसा हो सकता है कि भाई एक त्रिभुज छोटा है और एक बड़ा है, लेकिन वो समरूप होंगे, उनका रूप एक सा होगा। लेकिन जो आपको ये समकोण त्रिभुज दिए हुए हैं इसमें कंडीशन होगी आपके लिए कि यहाँ पर आप देखोगे तो एक से लग रहे हैं कि भाई समकोण त्रिभुज हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं। अगर आपका ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर आ जाए तो आप ये कहोगे कि भाई ये समरूप त्रिभुज है, तब तो इनकी आकृति आपकी जो है वो एक सी बनेगी। कि त्रिभुज में जो आकृति होती है वो डिपेंड करती है कोणों पर। अगर पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है तो वो त्रिभुज एक सी आकृति के यानी समान आकृति के बनेंगे, तब आप उसे समरूप बोलोगे। हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, किस तरह का है, आयताकार बोर्ड है। दूसरी ये नोटबुक आपने ले ली, ये भी क्या है कि ये भी आयताकार है। ठीक, इनका जो आकार है एक का छोटा है और एक का बड़ा है, लेकिन हैं तो दोनों आयताकार, दोनों एक से हैं, दोनों का रूप एक सा है, तो आप क्या कहोगे कि ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, वो समरूप हैं। ठीक है, इसी तरह से जितने भी वर्ग होते हैं वो सब समरूप होते हैं, जितने आपके व्रत होंगे, दो व्रत हैं वो भी समरूप होंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आपके पास जो त्रिभुज मिलेगा वो समरूप त्रिभुज कहलाएगा। अब समरूप त्रिभुज के लिए कुछ कंडीशन होती है कि भाई कौन सा त्रिभुज कब समरूप होगा। तो अगर हम दो समरूप त्रिभुज लेते हैं तो उसमें हमारे पास तीन कंडीशन निकल के आती है। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनका जो अनुपात हो वो बराबर होना चाहिए। हमने दो त्रिभुज ले लिए ए बी सी, दूसरा भी इसी के रूप का लेना है पी क्यू आर। ठीक है, दोनों का रूप एक सा है, आकार तो अलग है कि एक छोटा है और एक बड़ा है, पर देखने में दोनों एक से हैं तो ये समरूप आपके होंगे। लेकिन इनके लिए हमारे पास कंडीशन होती है, पहली कंडीशन कि जो त्रिभुज आपको दिए गए हैं वो समरूप कब होंगे। वो तब समरूप होंगे जब उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर हो। संगत भुजाएं क्या होती हैं, संगत भुजाएं मतलब जो जहाँ पर है, जो पोजीशन उसकी पहले त्रिभुज में है दूसरे त्रिभुज में भी उसी पोजीशन पर जो भुजा होगी उसका अनुपात हमें लेना है। मतलब अगर हम त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज
पी क्यू आर है ये दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या दिखाना होगा? ए बी अपॉन इसके संगत हमने लिया है पी क्यू आर लिया ना, तो क्या होगा पी क्यू बराबर बी सी, इसके संगत कितना हुआ यहाँ पर क्यू आर बराबर सी ए। ध्यान रखना अगर हम सी ए ले रहे हैं तो इधर से आर पी लेंगे, और अगर हम ए सी ले रहे हैं तो यहाँ से पी आर लेंगे। तो यहाँ से सी ए लिया हमने तो यहाँ पर हमने आर पी लिया। तो एक कंडीशन तो ये होती है समरूप होने की कि दो त्रिभुज तब समरूप होंगे जब उनकी संगत भुजाओं के जो अनुपात हैं वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है वो क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, वो भी कैसे संगत कोणों के बराबर हैं। तो आप कहोगे कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो कैसे हैं, वो समरूप हैं, यानी कि कोण ए बराबर होना चाहिए कोण पी के, कोण बी बराबर होना चाहिए कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होना चाहिए कोण आर के। वैसे अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होता है। अगर आपसे कहा ना दो कोण बराबर है, ए बराबर है पी के और सी बराबर है आर के, तो इतना ध्यान रखना बी भी क्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो इसे आप बोल देते हो साइड साइड समरूपता, ठीक है। ये जो है आपकी ये बनेगी एंगल एंगल समरूपता, कहीं कहीं आप इसे एंगल एंगल समरूपता भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है। थर्ड तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन ये होती है सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में आप दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर दिखा पा रहे हो लेकिन तीसरी भुजा का अनुपात आप बराबर दिखाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करोगे कि दो भुजाओं का अनुपात तो आप बराबर दिखा दोगे और साथ में उनके बीच का कोण भी आप बराबर दिखा सकते हो। यानी कि अगर हम दिखाएंगे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, तो देखो इनके बीच में क्या कोण बनेगा ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर, तो इनके बीच में कोण क्या मिला कोण बी बराबर कोण क्यू। कि अगर आप इतना भी दिखा दोगे कि दो भुजाओं का अनुपात आपने बराबर दिखाया और उनके बीच का कोण बराबर दिखा दिया, तब भी आप ये कहोगे कि जो दोनों त्रिभुज आपको दिए हुए हैं वो कैसे हैं, वो समरूप हैं। इसी तरह से अगर आप लिखोगे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर, तो हमने ए बी अपॉन ए बी और ए सी इनके बीच का कोण ये, पी क्यू और पी आर इसके कोण बीच का कोण पी, और साथ में कोण ए बराबर कोण पी दिखा सकते हो, या अब क्या बचा हमारे पास बी सी अपॉन क्यू आर बराबर सी ए अपॉन आर पी, तो इनके बीच का कोण ये सी और इधर क्या बना आर, तो कोण सी बराबर कोण आर, ठीक है। इन तीनों में से आप कोई सी भी एक कंडीशन दिखा दोगे तब भी आप क्या कहोगे कि जो दो त्रिभुज आपको दिए हुए हैं वो कैसे हैं, समरूप है। इस समरूपता को आप बोल देते हो साइड एंगल साइड, ठीक है। यानी कि दो भुजा और उनके बीच का कोण दिखाया है तो आप इसे बोलोगे साइड एंगल साइड समरूपता, ठीक है। तो ये तो कंडीशन होती हैं कि जब दो त्रिभुज हमें दिए हुए हैं वो किस कंडीशन में समरूप होंगे। इन तीनों कंडीशन पे आधारित क्वेश्चन आपको आगे प्रश्नावली में मिलेंगे। अब हम करेंगे इन्हीं पर आधारित है, समरूप त्रिभुज पर ही आधारित है थेल्स प्रमेय, ठीक है। ठीक है अब हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय, ठीक है। ये क्या होती है, इसमें हमसे कहा गया कि एक त्रिभुज आपको दिया जाएगा उसमें एक भुजा के समांतर हमने एक दूसरी भुजा खींच ली। तो देखो हमने किस तरह से एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है, हमने त्रिभुज ले लिया यहाँ पर ये ए बी सी, ठीक। आपसे कहा स्टेटमेंट में कि किसी एक भुजा के समांतर हमने ये रेखा खींच ली यहाँ पर, इसे नाम दे दिया हमने डी और ई। आपसे कहा है कि जो डी और ई है, ये डी ई रेखा है, ये बी सी के समांतर है, तो आपको तो डी ई समांतर है बी सी के, तो आपको इसमें जो सिद्ध करना है तो उसमें ये कहा है
कि जो डी ई रेखा है इसने ए बी को बिंदु डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद किया है। तो इस तरह से जो आपको मिला ए डी और डी बी, इनका जो अनुपात है वो बराबर होगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के। ठीक, स्टेटमेंट हमारा कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा आपने खींची है तो वो अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वो बिंदु उन दोनों रेखाओं को एक नियत अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि आपको जो सिद्ध करना है इस स्टेटमेंट में, वो सिद्ध करना है इस थ्योरम में कि AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के। ठीक है, तो इसे सिद्ध करने के लिए हमने थोड़ी सी रचना कर ली है। रचना में हमने क्या किया कि EL, ये जो है हमने EL लंब खींचा है AB पर, इसी तरह से DM हमने लंब खींचा है AC पर। ठीक, ये रचना हमने की है। अब इसकी सहायता से हम इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखो, आप दिया है क्या, दिया है त्रिभुज ABC में एक रेखा आपने DE जो है वो समांतर है किसके, BC के। आपको सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है AD अपॉन DB बराबर है किसके, AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC। ठीक, इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने रचना कर ली। रचना में क्या किया हमने DM लंब AE या DM लंब पूरी ही भुजा का नाम लिख देते हैं AC व EL लंब AB खींचा। अब आगे आएगा हेडिंग आपके पास उपपत्ति, मतलब प्रूफ करना है हमें। ठीक, इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। ठीक है, आधार यानी कि जो भी भुजा हम लेंगे, जैसे कि ये त्रिभुज है, अगर हम BC के अकॉर्डिंग आधार, अगर हम BC लेते हैं तो 1/2 गुणा BC और संगत ऊंचाई की जो हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे P, तो ये आएगा। ठीक, जरूरी नहीं है कि आप इसी भुजा के अकॉर्डिंग निकालो क्षेत्रफल, आप इस भुजा AC के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कि इसे नाम दे दिया Q, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, 1/2 गुणा AC गुणा परपेंडिकुलर हाइट कितनी है यहाँ पर, BQ है। ठीक, तो त्रिभुज जो आपको दिया जाता है, आप तीन भुजाएं होती हैं त्रिभुज में और तीनों ही भुजा के अकॉर्डिंग आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो वही आएगा। ये नहीं है कि भाई नीचे वाली जो भुजा है वही आधार है, उसके ही अकॉर्डिंग हमें क्षेत्रफल निकालना है, नहीं। आप तीनों भुजा में से कोई से भी एक भुजा ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप उसके शीर्ष से संगत ऊंचाई ले लीजिए। ठीक, तो इसी तरह से अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे क्षेत्रफल त्रिभुज, अगर हम EL लंब के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल पे जाएंगे, क्या नाम है इसका, त्रिभुज ADE। ठीक, तो क्या बनेगा, 1/2 गुणा आधार गुणा संगत ऊंचाई, आप इसे शीर्ष लंब भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कितना बना, 1/2, आधार कितना लिया हमने AD और संगत ऊंचाई कितनी होगी, परपेंडिकुलर हाइट कितनी है आपके पास, EL है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जितने भी सिद्ध करने के क्वेश्चन होते हैं या जो थ्योरम होती हैं, तो हमें कहाँ पे चलना है, कौन सा स्टेप करना है, वो हमें यहाँ से मिलता रहता है।
ठीक। अब हमें AD तो मिल गया, इसके अपोन में कितना चाहिए हमें? DB चाहिए, DB चाहिए। अब हम उस त्रिभुज में जाएंगे जहाँ पर हमारे पास DB मिलेगा, तो आ जाओ, DB ये है हमारे पास, ठीक है। तो क्या नाम है इस त्रिभुज का? DBE या BDE लिख सकते हैं, आप लिखोगे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर 1/2 गुणा आधार, हमें तो DB चाहिए, DB गुणा संगत ऊंचाई। देखो हमने जब DB ये लिया है तो इसमें शीर्ष क्या बना ये, और इस शीर्ष से परपेंडिकुलर हाइट कितनी बन रही है आपके पास? EL बन रही है। लेनी हमें परपेंडिकुलर हाइट ही होती है, चाहे वो हमारे त्रिभुज के बाहर क्यों ना जाए। कि अगर हमारे पास ये त्रिभुज है, ठीक, और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो जब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, अगर हम आधार ये लेते हैं तो परपेंडिकुलर हमारा ऐसे जाएगा, ठीक। आधार अगर हम लेंगे तो परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, और किसी किसी त्रिभुज में जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो आपका त्रिभुज के बाहर भी चला जाता है। कि अगर आपको ये दिया है, थोड़ा बड़ा बना देते, ये दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो त्रिभुज के बाहर भी जाएगा। तो ये नहीं है कि हमें जो हमारी परपेंडिकुलर हाइट है वो त्रिभुज के अंदर ही लेनी है, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास परपेंडिकुलर हाइट कितनी बनी? DB है, शीर्ष ये है, तो इसकी शीर्ष से संगत ऊंचाई कितनी बन रही है? EL, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब यहाँ से अगर आप क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, ठीक है, आपको AD अपॉन DB चाहिए। AD आपके पास है, DB आपके पास है, अपॉन में कैसे आएगा? समीकरण 1 को 2 से भाग कर दो, अपॉन क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर 1/2 गुणा AD गुणा EL अपॉन 1/2 गुणा DB गुणा EL, ठीक है। 1/2 से 1/2 गया, EL से EL, कितना मिला? AD अपॉन DB, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। आपके पास इतना तो मिल गया, अब हमें इतना और बनाना है। इतना बनाने के लिए हमें अब उन दो त्रिभुजों में जाना होगा जिसमें आपके पास AE और EC बन रहे हैं। सबसे पहले हम ढूंढते हैं AE कहाँ पर है हमारे पास। देखो AE ये है हमारे पास, ठीक है, तो इस त्रिभुज से ही काम चल जाएगा हमारा, त्रिभुज ADE से ही। और जब हम AE ये वाला धार ले रहे हैं तो संगत ऊंचाई कौन सी जाएगी? अब EL नहीं जाएगी, अब कितनी जाएगी आपके पास? DM जाएगी। तब आप लिखोगे अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना बना? 1/2। आधार कितना ले रहे हैं हम? AE, तो इसके अकॉर्डिंग संगत ऊंचाई कितनी गई आपके पास? DM, इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद आपको चाहिए कितना? EC चाहिए आपको, तो EC ये है आपके पास, ठीक है। कौन से त्रिभुज में जा रहे हैं हम? हम जा रहे हैं EBC में। आप लिखोगे क्षेत्रफल त्रिभुज EBC 1/2, आधार कितना बनेगा उसमें? EC, और संगत ऊंचाई कितनी गई? DM, इक्वेशन नंबर 5। हमें चाहिए कितना? AE अपॉन AC। कैसे मिलेगा? इक्वेशन नंबर 4 को आप 5 से डिवाइड कर दो तो AE अपॉन AC मिल जाएगा। तो मिला कितना? क्षेत्रफल त्रिभुज ADE अपॉन क्षेत्रफल त्रिभुज EBC 1/2 AE गुणा DM अपॉन 1/2 EC गुणा DM। इससे ये कैंसिल, ये तो कितना मिला आपको? AE अपॉन EC, इसे इक्वेशन नंबर 6 डाल दिया। अब इधर आओ, ठीक है, हमें दिखाना है बराबर, ठीक। बराबर ये कब होंगे? कि जब हमारी LHS साइड भी दोनों बराबर आ जाएंगी, तो RHS साइड आपकी अपने आप बराबर हो जाएंगी। अब हमारा जो है ये तो मैच हो रहा है, लेकिन BDE त्रिभुज है आपके पास, BDE, और यहाँ पर त्रिभुज है कितना? EBC। अब इन दोनों में कनेक्शन हमें ढूंढना है कि अगर ये दोनों बराबर आ जाएं
तो LHS हमारी बराबर हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हमारी RHS भी बराबर हो जाएगी। तो करना क्या है, आप इन दोनों त्रिभुजों को देखो कहां पर बनना है, त्रिभुज BDE, एक तो ये बना आपके पास, ठीक है, दूसरा त्रिभुज EBC, EBC ठीक है। तो हमने जो त्रिभुज लिया है यहाँ पर DBC, यानी कि BDC बोल दो आप इसे या DBC बोल दो, ये लिया है। दूसरा त्रिभुज लिया है आपने EBC, तो इन दोनों त्रिभुजों में एक चीज़ आपको दिखाई दे रही हो कि BC जो है, आधार जो है वो हमारा दोनों में कॉमन है, ठीक। और क्या पता है आपको कि जो BC है वो DE के समांतर है, तो आपने कक्षा 9 में एक थ्योरम पढ़ी होगी, क्या थ्योरम थी कि एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, यानी कि जो त्रिभुज आपको दिया है क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज EBC, इन दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल हैं वो बराबर होंगे, ठीक। और जब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे तब आप क्या लिखोगे, समीकरण 6 से, तो इसकी जगह में क्षेत्रफल त्रिभुज DBC लिख सकती हूँ, तब ये बना आपके पास क्षेत्रफल त्रिभुज ADE अपॉन क्षेत्रफल त्रिभुज EBC की जगह कितना लिखना है हमें, DBC किसके बराबर मिला, AE अपॉन EC के, इक्वेशन नंबर 7, ठीक। अब आप समीकरण नंबर 3 को और समीकरण नंबर 7 को देखो, समीकरण 3 व 7 से, ठीक। तो देखो यहाँ पे LHS कितनी दी है, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE अपॉन क्षेत्रफल त्रिभुज BDC किसके बराबर है, AD अपॉन DV के, यहाँ पर ये किसके बराबर है, AE अपॉन EC के, कि अगर इन दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगी, तब आप लिख सकते हो देयर इम्प्लाइज AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा ये हो गया, यानी कि क्या यहाँ पर आपने सिद्ध किया है कि त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा अगर आप खींचते हो और वो शेष दोनों भुजाओं को जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसके अकॉर्डिंग जो संगत भुजाएं आपको मिलेंगी, मतलब यहाँ पे प्रतिच्छेद किया तो क्या बना AD, तो AD अपॉन DB, इधर E पे प्रतिच्छेद किया है तो AE अपॉन EC दोनों आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो ये हमारे जो थेल्स थ्योरम है वो कंप्लीट होती है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन हम आगे करेंगे। अब हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए हैं, तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और जिसमें आपसे कहा है कि जो DE है वो समांतर है BC के और बाकी की भुजाएं आपको दी हुई हैं, आपको EC का मान बताना है कितना होगा। तो अभी हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी है, थेल्स प्रमेय क्या पढ़ी है कि जब एक भुजा के समांतर एक रेखा आपको खींची जाती है वो दो अन्य भुजाओं पर जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह उन्हें भुजाओं को एक संगत अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि समान अनुपात में विभाजित करती है, तो कितना मिलेगा आपको AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ठीक है। आपको किसका मान निकालना है, EC का मान निकालना है, ठीक। तो यहाँ से EC बराबर कितना मिला आपको, AE भाग में था तो गुणा में गया DB और ये गुणा में था तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ से EC का मान कितना मिलेगा, AE कितना है आपके पास 1 सेंटीमीटर, DB कितना है 3 और G ये कितना 1.5, 15 × 2 = 30, तो EC की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसमें जब भी आपको भुजाओं पर आधारित क्वेश्चन आएगा, अनुपात को लेके क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पर आप जो यूज़ करोगे वो थेल्स थ्योरम का यूज़ करोगे, ठीक। इसी पर आधारित हमने एक क्वेश्चन और लिया है आगे, उस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, उसमें कहा है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के
और इसके जो विकर्ण है वो परस्पर बिंदु A पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको सिद्ध करना है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। सबसे पहले समलंब। समलंब क्या होता है? समलंब वह चतुर्भुज होता है जिसमें दो भुजाएं तो समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। समांतर भुजाएं आपको दी गई हैं AB और DC। तो समलंब बनाएंगे हम, ए बी और डी सी। आपसे कहा है ना ए बी समांतर है डी सी के, तो देखो ए बी समांतर है डी सी। उसके बाद कहा है इनके जो विकर्ण हैं, विकर्ण खींच लेते हैं हम। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। रचना में हमने क्या किया, आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, ए बी समांतर है डी सी की। तो हम एक काम और करते हैं कि इन दोनों के समांतर एक रेखा और खींच लेते हैं। ये खींच ली, ई नाम दे दिया इसे। हमने क्या किया, एक समांतर रेखा ई ओ खींच ली, खींची, ठीक है। अब इसका प्रूफ करेंगे। आपको बताया जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, तो वो हमें वहीं से हिंट मिल जाता है हमें करना क्या है। हमें ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ, अब जाहिर सी बात है हमने समांतर रेखा खींची है, तो हम त्रिभुज में जाएंगे और थेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। वहाँ पर आपको भुजाओं के अनुपात मिल जाएंगे। सबसे पहले हमें ए और सी ओ चाहिए, तो ए डी सी में चले जाओ। आप लिखोगे त्रिभुज ए डी सी में, क्या पता है आपको, ई ओ जो है वो समांतर है डी सी के। अभी थ्योरम हमने किया थेल्स थ्योरम, आप लिखोगे थेल्स प्रमेय से संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी बराबर ए ओ अपॉन ओ सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने डाल दी, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, हमें बी ओ और ओ डी भी चाहिए, ठीक। तो हम इसी तरह से अब हम जाएंगे त्रिभुज ए बी डी में, क्या ई ओ समांतर है ए बी के। जब ये समांतर है हमारे पास, हम इस वाले त्रिभुज में गए हैं, ठीक। तो क्या बनेगा, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी किसके बराबर होगा, बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी। इक्वेशन नंबर सेकंड हम डाल देंगे। समीकरण एक और दो को देखोगे आप कि देखो यहाँ पर भी ए ई अपॉन ई डी है और यहाँ पर भी आपके पास कितना है, ए ई अपॉन ई डी, ठीक। जब दोनों की एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर हो गया। दूसरे शब्दों में आप समझ लो कि हमने ए ई अपॉन ई डी का मान उठाकर यहाँ पर रख दिया। आप लिखोगे समीकरण एक बे दो से कितना मिला आपको, ए ओ अपॉन ओ सी बराबर बी ओ अपॉन ओ डी, ठीक। अब हमें जो सिद्ध करना है, ए ओ अपॉन बी ओ चाहिए, तो सिद्ध हमारा हो गया है कि बी ओ यहाँ पर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, ये भाग में इधर गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ से मिला आपको ए ओ अपॉन बी ओ बराबर, हम इस ओ सी को सी ओ भी तो लिख सकते हैं और इस ओ डी को हम डी ओ भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया, ठीक। तो इस तरह से एक क्वेश्चन और है, उसमें आपको विलोम दिया है। इससे अगला क्वेश्चन जो है उसमें आपको उल्टा दिया हुआ है कि इसमें ये कंडीशन दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि ये जो चतुर्भुज आपको दिया हुआ है ए बी सी डी वो समलंब है। तो करना आपको ऐसे ही है, आप इसे लेके चलोगे और इन रेखाओं को आपस में समांतर दिखा दोगे, ठीक है।
ठीक है, अब हमने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे कि हमें एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपसे कहा है कि QR अपॉन QS बराबर आपको दिया है QT अपॉन PR के, और आपसे कहा है कि कोण एक बराबर है कोण दो के। तब आपको सिद्ध करना है PQS जो त्रिभुज है वो बराबर होगा त्रिभुज और समरूप होगा त्रिभुज TQR के, ये सिद्ध करना है। ठीक, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, आप लिखोगे चूँकि कोण एक बराबर दिया है कोण दो के। अगर आप कौन से त्रिभुज में जाते हो, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQT में, ठीक है, कोण एक बराबर दिया है आपको कोण दो के। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, कि आप लिखोगे कोण एक बराबर कोण दो, तो कोण एक के सामने की भुजा क्या है PR, और कोण दो के सामने की भुजा कितनी है PQ। क्यों बराबर हैं ये, क्योंकि त्रिभुज में समान कोण की सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। ठीक है, तो कोण एक के सामने की भुजा कितनी बनी आपके पास PR, और कोण दो के सामने की भुजा कितनी बनी PQ। अब आप लिखोगे चूंकि आपको दिया क्या है, गिवन डेट कितना दिया हुआ है आपको, आपको दिया है QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन PR। ठीक है, तो मैं इस PR को PQ या QP लिख सकती हूँ, यही किया हमने, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR को मैंने लिख दिया यहाँ पर QP। ठीक, अब जो त्रिभुज आपको समरूप दिखाने हैं उस पर आओ, PQS ये वाला त्रिभुज, ठीक है, दूसरा त्रिभुज क्या है TQR, ये त्रिभुज, ठीक, आपको इन दोनों को समरूप दिखाना है। तो तीनों भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर नहीं आ सकता, लेकिन इसमें जो है अगर हम जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उन्हें कलेक्ट करते हैं तो इसमें आपका दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है और उनके बीच का कोण बराबर आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिखोगे त्रिभुज PQS वह त्रिभुज TQR। ठीक, तो देखो कितना है आपके पास QR, या आप इसे लिख सकते हो रेसिप्रोकल लो यहाँ पर, और आप इसे लिख दो QS अपॉन QR, दोनों का व्युत्क्रम ले लिया तो इधर भी व्युत्क्रम हो जाएगा, QP अपॉन QT हो गया, तो इसे सीधे सीधे लिख दो QS अपॉन QR इज इक्वल टू QP ये अपॉन QT। अब आप ध्यान से देखो इस वाले त्रिभुज में और इस बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला जो कोण है आपके पास, ये दोनों में कॉमन आ रहा है कि कोण एक बराबर कोण एक, ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है। ठीक, तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई यहाँ पर, साइड एंगल साइड समरूपता से क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो क्या हो गए, समरूप हो गए, PQS समरूप हो गया त्रिभुज TQR के। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हुआ। जब भी आप त्रिभुजों को समरूप दिखाओगे और उन्हें इस तरह से समरूप में जब आप उनके नाम लिखोगे, एक चीज़ का ध्यान रखना, आप ABC आपको दिया है त्रिभुज दिया है, ठीक, दूसरा त्रिभुज आपको दे दिया PQR, मैंने आपसे कहा कोण A जो है वो बराबर है Q के, कोण B जो बराबर है वो R के है, और कोण C जो बराबर है वो इस P के बराबर है। ठीक, तो जब आप इसे समरूप लिखोगे तो इसे तो आपने लिख लिया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, A है ना, जो जिसके बराबर है पहले वही नाम आएगा, A Q के बराबर है तो यहाँ पे Q आएगा, B किसके बराबर है R के बराबर है तो R आएगा, C किसके बराबर है C,
पी के। तो इसका जो समरूप होगा त्रिभुज वो ये वाली कंडीशन सही होगी। आप अगर इसे ऐसे लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो आपका ये सही नहीं माना जाएगा। जब भी आप लिखोगे समरूप त्रिभुज लिखोगे तो उनके नाम पर ध्यान देना कि जो जिसके बराबर है उसके संगत वही नाम आना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपसे कहा है कि आकृति में आपको एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, आपसे कहा है ए डी और ई सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं और ये एक दूसरे ये लंब है, यानी कि ये भी 90 अंश का कोण बना रहा है, इधर ये भी 90 अंश का कोण बनाना है। तो सबसे पहले हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ई पी मतलब ये वाला जो त्रिभुज है वो समरूप है इस वाले त्रिभुज के। तो सबसे पहले इसी त्रिभुज में जाते हैं, आप लिखो त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में। मैं नंबर डाल रही हूँ यहाँ पे, नाम ना लिख के कोणों के नंबर डाल रही हूँ। इसे मैंने कोण एक बोल दिया, इसे दो बोल दिया, इसे तीन बोल दिया और इसे चार बोल दिया है। तो आप लिखोगे कि कोण एक बराबर है कोण दो के। क्यों बराबर है? आपको पता है ए डी और सी ई लंब है, लंब है मतलब ये कितने अंश के कोण हैं, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 अंश के कोण हैं। उसके बाद कोण तीन बराबर कोण चार, क्यों कैसे कोण बन रहे हैं, आमने सामने बन रहे हैं ना, कैसे कोण है, शीर्षा विमुख कोण है और शीर्षा विमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। आपको अभी बताया था कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होता है, कि आप इसे एंगल एंगल समरूपता से भी लिख सकते हो या एंगल 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 समरूपता से भी लिख सकते हो। समरूपता से आपको बताया था कि अगर किसी दो त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के, ठीक है। जिस तरह से हमने ये वाला पार्ट किया वैसे आप इसका जो सेकंड पार्ट है अपने आप हल करोगे, समरूप त्रिभुज सी बी ई के, ठीक है। ये भी इसी तरह से होना है, आप ए बी डी में जाओगे और सी बी ई में जाओगे, 90-90 अंश के कोण हो गए और ये वाला कोण जो होगा आपके पास वो कॉमन होगा। दो कोण बराबर हो गए, तीसरा स्वतः ही बराबर होगा, और जब दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हो जाते हैं तो वो समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। एक चीज़ और आती है, आपने एक तो अभी मैंने आपको पढ़ाया समरूप, ठीक, आपने एक पढ़ा होगा सर्वांग सम, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। समरूप में आकार जो होता है वो एक सा होता है, बराबर हो या ना हो पर उनका जो रूप होगा वो बराबर होगा, एक सा होगा। सर्वांग सम, तो अगर हम इसके संधि विच्छेद में जाते हैं, सर्व मतलब सारे, अंग मतलब भाग, सम मतलब समान, कि जिन दो त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ठीक। तो इन दोनों में आप कन्फ्यूज मत हो जाना, ऐसा मत कर देना कि समरूप को सर्वांग सम बोल दो, सर्वांग सम को समरूप बोल दो, कि इसमें रूप एक सा होगा और इसमें सभी भाग जो होते हैं वो संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक। तो ये जो आपने किया है आज वो प्रश्नावली 6.3 तक किया है, इसके आगे की जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे और इसके जो क्वेश्चन है वो PDF में आपको भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।